हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की रिकॉर्ड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। अनुराग ठाकुर को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाया, पटाखे चलाने और जश्न मनाने का सिलसिला जारी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयी। रिमझिम बरसात की फुहारों में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने नारा दिया था अब की बार चार की चार और जनता के आशीर्वाद से हिमाचल में कमल का फूल खिला है, एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। सभा क्षेत्र में हमारे सामने चुनौती थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रत्याशी हमारे यहीं से जो विधायक हैं उनको दिया था, इसलिए उनके मुकाबले लीड लेना हमारे लिए चुनौती जरूर थी, परंतु हमने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात मेहनत की। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के किए कामों की घर घर चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता ने हमारा साथ दिया और आज 10,833 वोटों की बढ़त हमें मिली है, जिसके लिए मैं इस विधानसभा क्षेत्र के जहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, वहीं जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने जो नारा दिया था अब की बार चार की चार, उस नारे को चरितार्थ किया है। चारों की चारों सीटें पहले से भी कई गुना ज़्यादा मार्जिन से जीती हैं, जिसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता को और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तित्व कर्तित्व के कारण है, उनकी सरकार की शानदार उपलब्धियों के कारण है और हिमाचल प्रदेश सरकार के इस सवा साल के जनहित में लिए गए फैसलों का परिणाम है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बिच अनुराग ठाकुर जी बहुत वधिया मत अपने करीब करीब 3 लाख से भी वध वोटों के नाल जीते। एक मत अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत अच्छी नीतियां थी, क्योंकि लोगों ने सिर्फ ये सोचा भी देश को बचाना है और मोदी जी को लाना है। इसी मुद्दे पर मत अपने लोगों ने एक देश मतलब ने बहुत ही बढ़िया मतदान अपना किया और इस दे विच तमाम मतलब इलाका निवासियों का और पूरे हिंदुस्तान के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के असं बहुत बहुत शुक्रगुजार है और इन्होंने बहुत बहुत सारे बधाइया देंगे और मुबारकबाद देंगे। बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।